नमस्कार, मैं दुर्गाशन दुबे स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह और उससे संबंधित कामों के बारे में। शनि ग्रह से संबंधित कौन कौन से काम हो सकते हैं, यह हथेली के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है और इसमें कौन कौन से शुभ लक्षण विद्यमान हो सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। नीलांजन समावासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनि शरणम। न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है सौर मंडल के अंदर सैटर्न प्लेनेट को। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देता है। हथेली में कहां पाया जाता है? हथेली में जो मिडल फिंगर है इसके नीचे का जो पार्ट है वो शैटर्ड प्लेनेट कहलाता है, वो शनि पर्वत कहलाता है। ये शनि पर्वत बहुत ज्यादा उठा भी होना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा सप्रेस्ड और दबा भी नहीं होना चाहिए। ये फ्लैट हो तो ज्यादा बेटर हो। फ्लैट होता है तो हमको अधिकतम शुभ स्थिति में हमको फल प्रदान करने की क्षमता रखता है। यदि ये दबा हुआ है शनि पर्वत तो ये कहीं ना कहीं जातक को इंटरेस्ट पे या किसी प्रकार के लोन के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लगाता है। इस पर कौन कौन से शुभ चिन्ह हो सकते हैं? इसके ऊपर यदि फिश का सिंबल है तो धन प्रदायक है। ट्रायंगल का सिंबल है तो ये हमको रहस्यमय बनाता है, तंत्र मंत्र की तरफ हमको आकर्षित करता है, लेकिन हमको धन भी देता है, गुप्त विद्याओं के द्वारा हमको धन प्रदान भी कराता है। यदि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्क्वायर का साइन है तो हमको बीमारियों से या आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाओं या हमारे धन से संबंधित चीज़ों से हमारे को प्रोटेक्ट करता है, उनसे बचाता है जो गलत चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं। स्टार का सिंबल कभी कभी अच्छा होता है इस पर और कभी कभी ठीक भी नहीं होता है। यदि अन्य अशुभ लक्षण हैं तो स्टार फिर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट नहीं दे पाता है। तिल का चिन्ह है तो शनि के पर्वतों में बहुत कमी ला देता है और वो शुभता में काफ़ी कमी करता है। दाग धब्बे या अन्य प्रकार के क्रॉस भी इसके गुणों में काफ़ी कमी करते हैं। शनि से संबंधित व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं? लोहे से संबंधित जितना भी काम होता है वो सैटर्न को डिनोट करता है। काला रंग शनि का प्रधान रंग है। काले रंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सैटर्न के होते हैं। तेल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब सैटर्न के होते हैं। तो आप इसको इस तरह समझिए, लोहे के जितने भी काम है, मशीनरी के जितना भी काम है, स्पेयर पार्ट का जितना भी काम है, इंजीनियरिंग का काम है, जितना पुल का जितना भी काम है, ब्रिज बनाना, कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, वो सब सैटर्न का काम है। इसके साथ साथ शनि नौकरी को भी डिनोट करता है। आप किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट, वो उसको सैटर्न ही डिनोट करता है। शनि पर्वत या शनि ग्रह आपके टायर का, आपके कुकिंग गैस का, ऑयल का, डीजल का, पेट्रोल का, भवन निर्माण का, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, चिप्स का, मार्बल का, पत्थर का काम, इसके अलावा जितने भी लेबर ब्यूरोस हैं, जितने भी श्रम लोगों से कराने का जो 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 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब का भी शनि प्रधान ग्रह है। शनि का काम आपका जितना भी ईंट का काम है, पत्थर का काम है, वो भी भवन निर्माण का काम है, ये सब शनि का ही प्रमुख काम माने जाते हैं। आप जितने भी प्लास्टिक का काम है, केमिकल्स का काम है, आयुर्वेदिक औषधि का जितना भी काम हो सकता है, ड्रग्स का काम है, जितना प्लास्टिक का काम है, रबर का काम है, टायर का काम है, जूते का काम है, कॉस्मेटिक में जो केमिकल्स यूज होते हैं उन सब का काम है, वो सारे सैटर्न से डिनोट होते हैं। सैटर्न के प्रमुख एस्पेक्ट्स, आप जॉब कीजिए, आप किसी भी तरीके से लोहे से संबंधित काम कीजिए या फिर आप ऑयल से काम कीजिए, ये उसके तीन प्रमुख चीजें हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब सैटर्न उनको डिनोट करता है। इसको हम मोटा मोटी इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे हाथ के अंदर अन्य सुबह शुभ स्थितियां भी बन रही हो, फिट लाइन का बहुत मजबूत साथ हो, तो सैटर्न हमको डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। ये न्यायाधीश है, ये आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। यदि आप बिल्कुल सही तरीके से अपने मार्ग पर चल रहे हो, कर्तव्य के पथ पर हो, कर्म को के प्रति अग्रशील हो, तो ये आपको देगा, देर सवेर जरूर कर देगा, लेकिन ये आपको बहुत लंबे समय तक देगा। जुझारूपन देता है ये व्यक्ति के अंदर, कर्मठ बनाता है। इसके प्रधान जातक हमेशा वर्कशील रहते हैं, कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, भाग दौड़ करने वाले होते हैं, बैठकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। एक चीज का जरूर इसके अंदर मैं इन्वॉल्व ऐड करना चाहूंगा, यदि आप सैटर्न डोमिनेंट पर्सन हो तो कभी भी गलत चीजों के प्रति अपना आकर्षण मत रखिए। अब अच्छे पदार्थों का सेवन मत कीजिए, इससे आपका सैटर्न अगर शुभ स्थिति के अंदर भी है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, काफी अच्छा फल नहीं देगा वो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ मैं, और आपसे गुजारिश भी करता हूँ
शुक्रिया मेरे चैनल को वॉच करने के लिए, धन्यवाद, शुभकामनाएं।